क्या उनका कहना है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर आनंद दीपायन हमारे साथ जुड़े हैं, समाज विज्ञानी हैं, बीएचयू से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर आनंद दीपायन साहब, किस तरह से आप देखते हैं बीएसपी की अगर बात करें, जो पार्टी 17 में 19 विधायकों के साथ आई थी, आज ये स्थिति है कि उसके बागी विधायक कह रहे हैं हम अपना दल बनाएंगे, विधानसभा के भीतर हम 12 विधायक होने वाले हैं, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं, किस तरह से परिभाषित किया जाए इस स्थिति को, जिस तरह से जो बसपा की मौजूदा हालात है। आवाज करते हैं, आवाज आपकी जी प्रोफेसर रोहित का नाम है ना, रोहित जी, हाँ जी प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज क्या आपको मिल पा रही है? रोहित जी हाँ, अब आवाज आपकी आ रही है जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ रोहित जी देखिए, हाँ देखिए, ये लोकतंत्र अपने तरीके से करवट ले रहा है। जो बसपा दलितों के सहभागिता के लिए बनी थी और उस सहभागिता का की जो शुरुआत हुई थी, वो कहीं ना कहीं इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था थी, जो सवर्ण सामंती जो वर्चस्व था, उसको तोड़ने के लिए माननीय काशी राम जी के नेतृत्व में मायावती जी के साथ मिल करके यह एक राजनीतिक गठजोड़ बना था। लेकिन मैं इसी संदर्भ में रोहित जी आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि इस देश के एक बड़े दलित नेता जिन्हें हम आदरणीय जगजीवन राम जी के नाम से जानते हैं, उनको भी इस संदर्भ में याद करना मुझे लगता है कि बहुत ही लाजिमी है। 1981 में आदरणीय जगजीवन राम जी ने दिनमान में एक इंटरव्यू दिया था और मुझे लगता है कि उसको आज के संदर्भ में याद करने की ज़रूरत है। जगजीवन राम जी का वह इंटरव्यू था कि लोकतंत्र, और लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली मूल रूप से जाति तंत्र के आधार पर टिका हुआ है, और जैसे जैसे लोकतंत्र अपना आकार ग्रहण करता है, विस्तारित होता है, वह जातिवादी ताकतों के खिलाफ जाता है। और उसी में एक बात और कहा कि यह लोकतंत्र जो है मुनाफे पर आधारित जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ भी जाता है। तो जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा वह पूंजीवाद पर चोट करता है, और निचले स्तर पर वह जाति तंत्र के गठजोड़ को पर भी जो है वह वार करता है। तो ये जगजीवन राम जी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र जो है जी बिल्कुल मूल रूप से एक तरफ पूंजीवाद के खिलाफ है और दूसरी तरफ जातिवादी जो गठजोड़ है उसके खिलाफ है। आज की तारीख में अगर देखा जाए हिंदुस्तान में 2022 का जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी जो समारोह होने जा रहा है उसमें लोकतंत्र भी अपनी करवट लेगा। और बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि बिल्कुल करवट लेगा। राजपाल कश्यप साहब के पास चलेंगे। राजपाल कश्यप साहब, सीधा सवाल, तो क्या अब यह माना जाए कि समाजवादी पार्टी की नजर जो बसपा के जो बाकी बचे हुए जो विधायक हैं अभी जिनको पार्टी से बाहर नहीं किया है, क्या वो उनसे भी किसी तरह का संपर्क में आप लोग हैं? देखिए रोहित जी, अब तो उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में है जी। और उत्तर प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि हैं जिनको अपमानित किया गया है, और बीजेपी ने जनता को भी अपमानित किया, जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया, दूसरे दल भी जो घमंड में आके जनप्रतिनिधि और जनता का अपमान कर रहे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई सम्मान कर सकता है जनता का, जनप्रतिनिधि का, हर जाति धर्म के व्यक्तियों का कोई सम्मान कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, और हर लोगों के लिए योजनाएं कोई ले आ सकता है, धरातल पे करके कोई दिखा सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है, उन्होंने करके दिखाया है। बीजेपी ने तो पूरी तरह से फेल हो गई, बेरोजगारी बेतहाशा है, महंगाई बेतहाशा है, गरीबी बेतहाशा है, और जिस तरीके से महंगाई गरीबी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो सभी मोर्चों पे विफल हो गई। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लाशों के कुंभ लग गए योगी जी के राज में,
ठीक है, तो आपका ये कहना है, लूटा गया, आपका कहना है कि आपके संपर्क में बना था, यानी आप ये संदेश दे रहे हैं कि आपके संपर्क में सब लोग हैं, चंदे का भी बंदरबांट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, हमने आपकी पूरी बात सुनी। मैं वीरेश एक संक्षेप एक सवाल लूंगा, उसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष का क्या कहना है उस पर भी बात करेंगे। अब ये बताइए कि अब ये जो तमाम बागी विधायक हैं, इनसे जो आज जिस तरह से आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या ये माना जाए कि अगले 2-3 दिन में और स्थितियां साफ हो जाएंगी, बादल और छंटेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये जो बागी विधायक हैं असलम रायनी के नेतृत्व में आज विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने गए थे, लेकिन संयोगवश विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र उन्नाव के लोगों से मिल रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के मद्देनजर, तो वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, आज का समय नहीं मिल पाया, इसलिए बाकी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में चले गए हैं। 2-3 दिन के अंदर वो आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, इनकी कोशिशें लगातार जारी हैं और जो भी इनके संपर्क के लोग हैं, जो भी इनके साथ पार्टी में सहयोग कर सकते हैं, यानी 12 की संख्या पूरी कर सकते हैं, उन सबसे वो संपर्क में है, टेलीफोनिक वार्ता उनकी लगातार जारी है और कभी भी ये एक नई दल एक नए पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि तकनीकी जो पहलू है उसे हृदय नारायण दीक्षित जी बखूबी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, देखिए असलम रायनी तो मिल नहीं पाए विधानसभा अध्यक्ष से क्योंकि वो व्यस्त थे, लेकिन एबीपी गंगा ने उनसे मुलाकात कर ली, क्या कुछ उनका कहना है वो अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं। विधानसभा में हर विधायक की सदस्यता के नियम साफ है, अगर कोई दल अपने किसी विधायक को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर देता है तो इससे उसकी विधानसभा की सदस्यता पर कोई असर नहीं होता, ऐसी हालत में पार्टी की सदस्यता से निलंबित होने के बाद भी वो विधायक दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। आपके मन में विधानसभा के नियमों को लेकर कई सवाल होंगे, इसे जानने के लिए आज हमने बड़े सवालों पर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी से बात। तो देखिए, जो पहला सवाल आप सबके जहन में आ रहा होगा वो सवाल यही है कि विधानसभा में अलग गुट की मान्यता के क्या नियम है। हमारे यहां गुट बनाने के लिए हमारे जो विधानसभा के भीतर, तो उसमें गुट बनाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं अध्यक्ष से और अध्यक्ष उनको मान्यता देता है जब 1/3 से ज़्यादा विधायक हों। तब मेरे पास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी विधायक ने किसी माननीय सदस्य ने ऐसी कोई प्रार्थना चिट्ठी पत्र व्यवहार आज तक नहीं किया जिस मिनट में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। मेरे पास केवल बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की तरफ से एक पत्र आया था, श्री लाल जी वर्मा को हमने वो उस पर उस हाँ विधानमंडल दल के नेता से हटा दिया है, कृपया आप इसकी मान्यता दे दें। मैंने उस पर तुरंत कार्रवाई की और जो नए नेता हैं उनको अभिज्ञात कर लिया कि नेता अब ये हैं, वर्मा जी नहीं। तो अब दूसरा सवाल, देखिए विधानसभा में अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, तो पार्टी से निलंबन के बाद विधानसभा सदस्यता पर क्या असर पड़ता है, इस पर क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष का, ये आप सुनिए। निष्कासन पार्टी से होता है और निलंबन विधानसभा के भीतर होता है कि आप सस्पेंडेड हैं, लेकिन अगर उनको नेतृत्व निर्देशित करेगा कि आपको फला जगह वोट डालना है तो वोट तो उनको उसी में देना पड़ेगा। इस तरह से जो लोग निष्कासित कर दिए गए हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में विधानसभा के भीतर वोट देने के लिए बाध्य हैं। हुप जिस दिन नहीं मानेंगे तो उस दिन उनके खिलाफ पिटीशन हो जाएगा, पिटीशन होगा तो नुकसान होगा। हालांकि व्हिप पर अभी भी उन्होंने बात की, लेकिन फिर भी जो सवाल उठता है वो ये कि क्या पार्टी से निलंबित विधायकों पर व्हिप लागू होता है, इस पर क्या कहना सुनिए। कोई पार्टी है और उसका विधानसभा के भीतर का नेता अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सदस्य कहता है कि आज ऐसा ऐसा विषय आएगा सदन के भीतर और इसमें आपको वोट देना है कि नहीं देना, इसे हुप कहते हैं। अब अगर ये आज्ञा पालन नहीं किया उसने सदन के भीतर तो ये माना जाता है कि उसने स्वेच्छा में अपनी इच्छा से दल त्यागने की कार्रवाई की है। संविधान में और कानून में उसकी व्याख्या है कि कोई भी सदस्य स्वेच्छया दल त्याग करे तो ये उसकी सदस्यता चली जाएगी।
पर इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष को लिखकर प्रमाण सहित देना पड़ता है कि इनको हमने कहा था कि इस पक्ष में वोट डालें, इनको हमने कहा था कि अनुशासन में रहे, नहीं रहे, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। हमारे यहाँ पिटीशन होती अध्यक्ष के यहाँ, और अध्यक्ष दोनों पक्षों को सुनने का मौका देते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको सुनवा रहे हैं जो आपके जहन में उठ रहे होंगे, ताकि आप कयासों और अटकलों से बाहर निकलकर हकीकत के बेहद करीब पहुंच सके। अलग गुट की मान्यता के लिए क्या करना होगा इन विधायकों को, इस पर क्या नियम कहते हैं, सुनिए क्या कहना है अध्यक्ष जी का विधानसभा। जब वो अपना विधानमंडल बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे यहाँ उनको पत्र व्यवहार तो करना पड़ेगा, और हमारा सचिवालय रिपोर्ट देगा कि गुण दोष के आधार पर इसमें क्या किया जाना, तब हम फैसला करेंगे कि ये इनका गुट मान्यता के लायक है कि नहीं। अब पांचवा सवाल कि अगर सदस्यता रद्द करवाने के लिए पार्टी क्या करती है या क्या कर सकती है, इस पर क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष का, ये भी सुन। सदस्यता रद्द करने के लिए चिट्ठी का प्राविधान नहीं है, याचिका का प्रावधान कि वो पिटीशन करें हमारे यहाँ, और हम फिर दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे जो उनके खिलाफ वाले होंगे, और दोनों पक्षों के बीच, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को या वो स्वयं हमारे यहाँ मुकदमे में आए, तब निर्णय करेंगे। तो छठा सवाल, अगर अलग गुट की पहचान कैसे की जाती है, इस पर क्या कहना है, सुनिए। केवल संख्या नहीं, बाकी सब चीजें तकनीकी देखनी पड़ेगी, और उस संख्या से ज़्यादा दिखाई ही पड़ रही, लेकिन चूंकि वो कोई मान्यता प्राप्त ग्रुप नहीं है, पार्टी अलग उन्होंने बनाई नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि ये नौ लोग एक साथ हैं, नौ लोग या दस या ग्यारह बारह जितनी संख्या, ऐसे मामले आए हैं, पर इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय हुए हैं, कभी कभी मान लिया गया कि ये गुट हैं, कभी कभी नहीं माना गया। हम आप प्रथम दृष्टया उनको देखते हैं कि इनकी संख्या इतनी हो गई है, ग्यारह या बारह जो भी हो गई, लेकिन वो सब एक ही ग्रुप है, ये कैसे क्लियर, उसके लिए तो दो ही बातें हैं, या तो दल बाहर बने तो माना जाए कि ये टूट इनकी जायज है, और या हमारे यहाँ वो आवेदन करें तो हम गुण दोष पर विचार करें। तो वीरेश बिल्कुल साफ है विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि या तो दल बाहर बनाए या हमारे पास आवेदन करें, यानी अब अगले दो तीन दिन में इन दो विकल्पों में से जो असलम रायनी कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया, तो इन दो विकल्पों में उनको एक पे जाना होगा। निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष से आज मिलने गए थे असलम रायनी और बाकी विधायक। असलम रायनी मेरे सामने विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनकी कोशिश यही थी कि इन तकनीकी विषयों को कैसे समझा जाए, कि कैसे विधानसभा के अंदर उनका एक दल हो, उसकी मान्यता मिले, ये विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। कुछ तकनीकी पहलुओं को जानने समझने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सत्ताधारी दल, जो पार्टी है, मूल पार्टी है, उसकी संख्या कम है, बागियों की संख्या ज्यादा है, तो उस पर वो विचार कर सकते हैं या क्या हो सकता है, जब वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और प्रस्ताव देंगे तो उस पर हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष जरूर विचार करेंगे, ये उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, हमारे सामने कहा है, तो ऐसे में दर्शकों के सामने कहा है, तो ऐसे में जब ये मिलेंगे तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी बातें हो सकती हैं, और इन्हीं रामचल राजभर और लालजी वर्मा के पास बिल्कुल और कोई चारा भी नहीं।